अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोलर माफिया को आप दोस्तों ने शिकस्त दे दी है। रेट्स में जबरदस्त कमी देखने में आई है। ताजा तीन रेट लिस्ट जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, चाहे वो लॉन्जी की हो, चाहे जे हो, जिंको हो, या ट्रीना हो, या कैनेडियन हो, तमाम की तमाम रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ताजा तीन रेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे ये रेट लिस्ट हमने रात को ही अपडेट कर दी थी दोस्तों, हम वीडियो के जरिए आपके साथ रेट शेयर करते हैं। अगर आप ये रेट लिस्ट 24 घंटों में किसी वक्त चेक करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने बड़ी आसानी पैदा की हुई है यार। आप दोस्तों के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था जब ये वेबसाइट ये जो JBMS360.com नहीं थी, तो आप दोस्त कह रहे थे कि भाई कोई वेबसाइट बताएं जहां से हम 24 घंटे अपने मोबाइल पर रेट्स चेक कर सके। तो अब आपके लिए हमने ये वेबसाइट्स बनाई हुई है, इस पर 2 से 3 बंदों की टीम वर्क कर रही होती है। तो आपने सिंपली करना ये होता है कि गूगल पर जाना है, JBMS360.com लिख रहा है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप सोलर पैनल्स के रेट्स, चाहे आपके सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स हो, चाहे आपके स्टील के रेट्स हो, सीमेंट के रेट्स हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी आइटम्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनली रेट्स क्या है सोलर इन्वर्टर्स के, सोलर पैनल्स के, वो भी आपको JBMS360.com पर मिलेंगे। इसके अलावा JBMS.pk को भी विजिट कर सकते हैं आप, वहां पर आपको पाकिस्तानी तमाम चीजों के जो रेट्स हैं वो मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, ताजा तीन जो रेट लिस्ट है मेरे पास आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो मार्केट पे मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहा है माफिया, सोलर माफिया, तो इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में 2 से 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको होलसेल के जो रेट्स है चाइना के वो अपडेट किए थे। वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई कीमत में कमी देखने में आई है और तकरीबन 1 से 1.5 सेंट जो है मजीद रेट्स कम हुए थे। उसका मतलब था कि 3 से 4 रुपए पर वाट के हिसाब से, और अगर आपका पैनल के हिसाब से देखा जाए तो 550 वाट के पैनल के हिसाब से भी 1500 रुपए से 2000 रुपए तक कमी देखने में आई थी। तो उस हिसाब से ना कोई टैक्स लगा है अभी तक, पीछे से रेट्स कम हुए थे और आपका माल भी ठीक ठाक आ रहा था, डिमांड भी वही जो रेगुलर चल रही थी, तो इस हिसाब से रेट्स आप होना बन नहीं रहे थे। मैंने मार्केट बाजार पे खुद विजिट की थी, मुख्तलिफ डीलर से मिला था, उनसे रेट्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माल उनके पास पड़ा हुआ था, वो रेट्स दे नहीं रहे थे। आज से कुछ 5-6 दिन पहले की बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले हफ्ते की बात है। तो लोगों ने जबरदस्त बाइकआउट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि मजबूरन उनको जो रेट्स हैं वो वापस नीचे करने पड़े। तो ताजा दिन रेट्स में सबसे पहले बात करूंगा लॉन्जी की। सिंगल क्लास में अगर आप ताजा दिन प्राइस देखें तो ये 37 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। यही रेट जो है पहले तकरीबन 41 से 42 रुपए की रेंज में आपको पर वाट के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा था। लॉन्जी बाइफिशियल डबल ग्लास की अगर बात करें तो इसका रेट 39 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो रेट्स है मैं आपको डिफरेंट ब्रांड्स के 1 बाय 1 करके रेट्स अपडेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको डिफरेंट सिटीज, जैसा आपका कराची हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, इस तरह की जो बड़ी सिटीज हैं इनके रेट्स भी अपडेट करेंगे। डिफरेंट कैपेसिटीज में क्या रेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा लॉन्जी बाइफिशियल डबल ग्लास हाइपो 7 की अगर बात करें तो हाइपो 7 का जो रेट है ये 41 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जेए की अगर बात करें, जेए भी ठीक अच्छा ब्रांड है, यूज कर सकते हैं आप, इसका जो रेट है ये 37 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको सिंगल ग्लास टैकोमेंटेड सोलर पैनल देखने को मिलेगा। जेए में बाइफिशियल की अगर बात करें तो ये 38 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, और जेए में अगर एन टाइप की अगर बात करते हैं आप तो ये आपको 39 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। जिंको की अगर बात करें तो जिंको में सिंगल ग्लास सोलर पैनल की अगर बात करें तो ये आपको तकरीबन 37 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। जिंको बाइफिशियल डबल ग्लास की अगर बात करें तो ये आपको तकरीबन 39 रुपए, और जिंको एन टाइप का जो रेट है ये भी आपको 39 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। दोस्तों बाइफिशियल और सिंगल ग्लास के वाले से मैं पहले भी वैसे वीडियोज में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको सिंगल ग्लास की जरूरत होती है, वो डबल ग्लास ले आते हैं। भाई अगर आपको डबल ग्लास की जरूरत नहीं है तो आपने 2-3 रुपए अजाफी नहीं भरने, आप सिंगल ग्लास सोलर पैनल जो है वो यूज करें। अगर आपको डबल ग्लास की जरूरत है, आपको यूज करना आता है, आपके पास जगह उस तरह की है, तो फिर आप डबल ग्लास की तरफ जाएं। डबल ग्लास या आपका जो बाइफिशियल सोलर पैनल है वो आपके नीचे से भी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दे रहा होता है, तो आपने कम से कम उसको 5-6 फीट आपकी जो सतह है उससे ऊपर लगाना है, और आपकी जो सतह है उसकी अच्छी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। आपने उस पर उसके नीचे व्हाइट सीमेंट या इस तरह की चीज कर देनी है जिससे जो है आपका जो है अच्छी रिफ्लेक्शन बने और आपकी जो एफिशिएंसी 10 से 15% आप इजाफी लेना चाह रहे हैं वो आपको मिले भी। तो आपने बाइफिशियल तभी लेना है जब आपको जरूरत है और आपको इसका लगाने का तरीका भी पता है, और इसको आपने 6-7 फीट ऊपर लगा भी सकते हैं। उसके लिए आपको जो है स्ट्रक्चर जो है वो जबरदस्त बनाना पड़ता है। जब आप इतना हाइट पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके लिए स्ट्रक्चर काफी मजबूत चाहिए होता है, जो कि थोड़ा सा महंगा भी आपको पड़ता है।
तो इसलिए अगर आपको बाईफिशियल की जरूरत नहीं होती तो आप सिंगल ग्लास लगा रहे हैं। सिंगल ग्लास में ग्लास भी थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा ज्यादा मजबूत भी होता है। तो ट्रीना की अगर बात करें, इसके अलावा ट्रीना में सिंगल ग्लास जो पैनल है ये आपको 38 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रीना एन टाइप की अगर बात करें तो ये 40 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। कैनेडियन टॉपकॉर्न सोलर की बात करें तो ये 41 से 42 रुपए की रेंज में पर वाट के हिसाब से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जेएम सोलर की अगर बात करें तो ये 38 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। एस्ट्रो एनर्जी की अगर बात करें तो ये भी 38 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। लॉन्जी हाइमो 6 में बाईफिशियल की अगर बात करें तो ये भी 39 से 40 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं हम डिफरेंट कैपेसिटीज में आपके जो सोलर पैनल्स हैं और इसके साथ सेल जर्मन जो है लोकल पैनल जो होते हैं 180 वाट के, 150 वाट के, 200 वाट के, 230 वाट, इस तरह के जो पैनल्स होते हैं उनकी 150 वाट के अगर आप पैनल लेते हैं ये तकरीबन 10,000 रुपए के राउंड अबाउट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। 180 वाट का जो पैनल है ये 10,500 से 11,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। 200 वाट का पैनल जो है ये आपको 11,000 से 12,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। इसी तरह सेल जर्मन में 230 280 वाट का जो पैनल है ये आपको 13,000 रुपए की राउंड अबाउट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो लोकल पैनल्स होते हैं ये इनकी कोई वारंटी वगैरह इस तरह की नहीं होती, आपको दे तो देते हैं शॉपकीपर या डीलर्स वगैरह, लेकिन इनकी वारंटी क्लेम वगैरह कोई नहीं होता। अगर कोई शॉपकीपर बदल दे तो उसकी जवाबदेही है, बाकी कंपनी ब्रांड इनका कोई खास नहीं होता। मुख्तलिफ नामों से ये आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली इनको सेल जर्मनी या जर्मन सेल इस तरह के नामों से पुकारा जाता है, बाकी इनकी एफिशिएंसी के हवाले से भी उस तरह नहीं होती जिस तरह जो बड़े ब्रांड्स उनकी होती है। तो चलें दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में सोलर पैनल। जेएमए 540 वाट का जो पैनल है ये आपको 19,980 रुपए में देखने को मिलेगा। जेएमए 540 वाट का जो डबल ग्लास का पैनल है ये आपको 21,000 रुपए में तकरीबन देखने को मिलेगा। लॉन्जी में 500 वाट का जो पैनल है ये आपको तकरीबन 18,500 से 19,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर लॉन्जी में 555 वाट के सिंगल ग्लास के पैनल की बात करें तो ये आपको 20,500 रुपए में तकरीबन देखने को मिलेगा। जिंको में 550 वाट का अगर पैनल देखें तो ये आपको 20,550 रुपए में देखने को मिलेगा। इस तरह जिंको में आप अगर एन टाइप 575 वाट का पैनल देखते हैं तो ये तकरीबन 22,500 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्जी हाइमो 7 में अगर आप 580 वाट का पैनल देखते हैं तो ये तकरीबन आपको 23,000 से 24,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैपेसिटीज में जो सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स जेबीएमएस टॉप पीके पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आप कैनेडियन में अगर टॉपकॉन 575 वाट के पैनल की प्राइस देखें तो ये तकरीबन 24,000 रुपए की राउंड अबाउट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कैनेडियन 550 वाट का पैनल सिंगल ग्लास में देखें तो ये 21,500 से 22,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिफरेंट सिटीज में जो पैनल्स के रेट चल रहे हैं। अगर आप कराची में देखें तो कराची में आपको तकरीबन 36-37 रुपए से मिनिमम स्टार्ट होगा और 42 रुपए तक आपको पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। लाहौर की अगर बात करें तो 37 रुपए से 43 रुपए तक आपको पर वाट के हिसाब से पैनल देखने को मिलेगा। इस्लामाबाद की बात करें तो ये 38 से 44 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। फैसलाबाद की बात करें तो ये 37 से 43 रुपए की रेंज में आपको फैसलाबाद की मार्केट में जो है पर वाट के हिसाब से आपको पैनल देखने को मिलेगा। कोयटा में अगर आप देखें तो 39 से 44 रुपए पर वाट के हिसाब से मार्केट में आपको पैनल देखने को मिलेगा। और पिशावर की अगर बात करें तो ये आपको 38 से 43 रुपए पर वाट के हिसाब से पिशावर में जो है रेट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और सिटी के रेट्स जो हैं इस वेबसाइट पर और आप हमारी वीडियो में ऐड करवाना चाहते हो तो सिटी का नाम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अच्छी न्यूज है कि भाई आपके जो पैनल्स हैं इनके रेट्स में तकरीबन 3 रुपए पर वाट के हिसाब से मजीद कमी देखने में आई है, जो कि 2-3 रुपए इन्होंने बढ़ाया था, अब इनको नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि काफी बड़ा बायकॉट चल रहा था। इसके अलावा मार्केट में सोलर पैनल अच्छी मिकदार में आ रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।